तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जिस वीडियो को आपने अभी अभी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप कुछ इस तरह का वीडियो बनाते हो तो आपके टिकटॉक पर लाइक एंड व्यूज बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल ESR की टैक में। तो इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोअर बढ़ा सकें। तो इसके लिए जो आपको बिहाइंड द सीन वीडियो शूट करना है, कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लेना है। फिर मैं बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद जो आपको एस्पेक्ट रेशियो लेना है वो लेना है 9.16 का। इस पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक कलर बोर्ड सिलेक्ट करना है और इस कलर बोर्ड का साइज़ आपको लगभग 13 सेकेंड तक कर देना है। फिर आपको उस वीडियो को लेना जो आपने बिहाइंड द सीन शूट की थी। फिर एक बार इस वीडियो लेयर पे टैप करके इसे स्क्रीन की साइज़ में कर लेना है। फिर वीडियो पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना और इसे स्क्रीन की साइज़ में कर लेना है। फिर एक बार इस वीडियो लेयर पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर आपको इस वीडियो में ग्रीन वाली जगह को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्रोमा की पर क्लिक करना है और यहाँ से जो की कलर है वो ग्रीन सेलेक्ट करके डन कर देना है और यहाँ से कलर एडजस्ट करना है। फिर आपको अपनी वाली वीडियो को सेकेंड तरफ लेकर आना है। फिर वीडियो प्ले करके देखते हैं। तो आप देखो कि हमारा वीडियो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। फिर आपको एरोवाल निशान पर टैप करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना है, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलो बढ़ा सकें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।